प्रिय विद्यार्थियों, ये है वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन। ये सैंपल पेपर 2 है। प्रश्नों की कुल संख्या है 14, मुद्रित प्रश्नों की कुल संख्या है 4। समय है 2.5 घंटे, पूर्णांक है 70। निर्देश हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक 2 अंक। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, चील में शक्ति विशेष रूप से होती है, सुनने की, देखने की, सूंघने की, महसूस करने की। नंबर 2, मसाले के रूप में घर में इस्तेमाल होने वाली बीज है, बीज नहीं चीज है, लहसुन, हल्दी, प्याज, खड़ा धनिया। नंबर 3, इनमें से कौन सी वस्तु अधिक समय तक संरक्षित रहती है, दूध की मिठाई, आम का अचार, पकी हुई दाल या रोटी। नंबर 4, इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है, लौंग, इमली, गुड़, करेला। तो ये पेज नंबर 1 है। अब हम जाते हैं पेज नंबर 2 पे। ये पेज नंबर 2 आ गया। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जंगल हमारा खालिस्तान कहलाता है। नंबर 2, किले के नक्शे में ये इस प्रकार का चिन्ह खालिस्तान को प्रदर्शित करता है। नंबर 3, अंतरिक्ष स्पेसशिप में पानी के बुलबुलों का इधर उधर उड़ने का कारण खालिस्तान न होना है। नंबर 4, जमीन हिलने की घटना को खालिस्तान कहते हैं। खंड ब, अति लघुतरी प्रश्न प्रत्येक 3 अंक। प्रश्न नंबर 3, सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा है। प्रश्न 4, पानी में ना डूबने वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। प्रश्न 5, जहां बांध बनता है वहां के लोगों को क्या क्या परेशानी आती है। प्रश्न 6, अनाज को कीड़ों से बचाने के 3 उपाय लिखिए। प्रश्न 7, बाबा साहब अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक 5 अंक। प्रश्न नंबर 8, पर्वतारोही दल में लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। प्रश्न नंबर 9, खेती करना है आप इन कार्यों के लिए किन उपकरणों की मदद लेंगे। क्रमांक, कार्य, उपकरण। पहला है, बीजों की बुआई। दूसरा है, खेत की जुताई। तीसरा, खेत की सिंचाई। चौथा, फसल की कटाई। इन कार्यों के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है वो यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 10, अपने जिले के 5 पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। प्रश्न 11, मुंह से फूंक फूंक करके फूकने से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। ये पेज नंबर 2 है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ये पेज नंबर 1 आ गया। प्रश्न 12, किसी खेल में एक टीम को जीतने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्रत्येक 7 अंक। प्रश्न नंबर 13, मक्खियां कौन कौन सी बीमारियां फैलाती है, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के उपाय लिखिए, अथवा दी गई क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नाम आरती, आयु 12, स्त्री या पुरुष तो स्त्री, रोग की पहचान अनीमिया, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल, नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम पर डीएल, पैथोलॉजिस्ट। नंबर 1, क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। दूसरा, आरती को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप क्या खाने की सलाह देंगे। प्रश्न 14, चित्र देखकर पहचानिए और इनमें उपयोग किए गए ईंधन का नाम लिखिए। ये पेज नंबर 3 है। अब हम जाते हैं पेज नंबर 4 पर।
ये आ गया पेज नंबर 4। नंबर 1 है क्रमांक चित्र नाम उपयोग होने वाला ईंधन। ये गैस की टंकी का चित्र है, ये लालटेन का चित्र है, ये बल्ब है, ये कार है, और ये सोलर कुकर है, और ये ट्रैक्टर है। तो ये चित्र जो है इनके नाम लिखना है, नाम बता दिया आपको मैंने, इसमें उपयोग होने वाला ईंधन बताना है। जैसे ये गैस टंकी में एलपीजी होता है, इसमें होता है केरोसिन होता है, बल्ब में विद्युत होते हैं, इसके बाद में ये है कार, इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों होते हैं, अलग अलग प्रकार की कार आती है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, और ट्रैक्टर में होता है डीजल। अथवा किस उपकरण में यह ईंधन प्रयोग में आता है? पहला है पेट्रोल, दूसरा मिट्टी का तेल, तीसरा डीजल, चौथा एलपीजी, पांचवा सूर्य ऊर्जा, छठा पवन ऊर्जा, सातवां बिजली। इसमें उपकरण के नाम लिखना है जिसमें ये उपयोग होता है। जैसे पेट्रोल का होता है कार में होता है, मोटरसाइकिल में होता है, मिट्टी का तेल जो है होता है वो लालटेन में होता है, डीजल जो है वो कार में भी होता है, और एलपीजी ये गैस टंकी में होता है, सूर्य ऊर्जा सौर कुकर में, पवन ऊर्जा पवन चक्की में, और बिजली जो है वो बल्ब में। तो ये पेज नंबर 4 हो गया। तो हमने देखा ये कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का सैंपल पेपर 2 अभ्यास प्रश्न पत्र। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।